हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासी विद साक्षी। तो आज का जो मेरा वीडियो है, इसमें हम पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के केस में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। अपनी पिछली वीडियो में हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, जो कि इनडायरेक्ट पॉलिनेशन का एक टाइप है, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज की मेरी इस वीडियो में हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसे फैक्टर या ऐसे मेथड के बारे में जानेंगे जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या ऐसी एजेंसी जिनकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर हम सिंपल शब्दों में पॉलिनेशन को समझने की कोशिश करें, मान लो ये क्या है, स्टिग्मा है, और ये क्या है, एंथर है। तो जो पॉलन ग्रेन होगा वो एंथर से कहाँ पे आएगा, स्टिग्मा पर आएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है, डायरेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकती है और इनडायरेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकती है। जिम्नोस्पर्म्स के केस में क्या होता है, डायरेक्ट पॉलिनेशन होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, ओव्यूल नेग्ड होता है, यानी कि जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर नहीं होगा, किसी कार्पल के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो डायरेक्टली ओव्यूल पे गिरेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मेल और फीमेल गैमिट में, जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होगा फीमेल गैमिट और पॉलन ग्रेन में मेल गैमिट, तो फ्यूजन होगा और डायरेक्ट पॉलिनेशन का प्रोसेस है। एंजियोस्पर्म्स के केस में क्या होता है, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन होती है, यानी कि इनमें क्या होता है, मान लो ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ये है स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब कोई एंथर से जो है पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे आके लैंड करता है, तो इसमें जो है ओव्यूल तक जो है डायरेक्टली पॉलन ग्रेन नहीं पहुंचता, पहले स्टिग्मा पे आके लैंड करता है, फिर यहां से जो है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा, तब जाके ओव्यूल तक मेल गैमिट पहुंच पाएगा, जो कि पॉलन ग्रेन के इनसाइड होगा। तो क्योंकि इस प्रोसेस में जो है पॉलन ग्रेन डायरेक्टली ओव्यूल पे जाके नहीं गिरता, पहले स्टिग्मा पे गिरता है फिर ओव्यूल तक पहुंचता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन, डायरेक्टली नहीं पहुंचता, तो इसको इसी वजह से इनडायरेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं। इनडायरेक्ट पॉलिनेशन जो है दो तरीके से हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी आगे दो टाइप की होती है, ऑटोगैमी और ज़िटोनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन का भी एक टाइप है, ज़िनोगैमी टाइप की क्रॉस पॉलिनेशन होती है कुछ प्लांट्स के केस में। सेकेंड टाइप की पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पॉलन इज डिलीवर्ड फ्रॉम द स्टैमन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। इस टाइप की पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक फ्लावर के स्टैमन से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर डिलीवर होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर भी डिलीवर हो सकते हैं, पर वो एक ही स्पीसीज के होने चाहिए दोनों प्लांट्स, तभी जाके क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन में जो है किसी ना किसी ऐसी एजेंसी या ऐसे एजेंट्स, या हम बोल सकते हैं पॉलिनेटर्स की नीड होती है, जिनकी हेल्प से जो है पॉलन ग्रेन स्टैमन से स्टिग्मा पर जाके डिलीवर हो सके। क्रॉस पॉलिनेशन जो है दो टाइप के प्लांट्स में या फ्लावर्स में हो सकती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी, और ऐसे फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल है उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, जैसे कि इस फ्लावर में ओनली कार्पल ही है और इस फ्लावर में ओनली स्टैमन ही है, तो इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन से जाके क्या हुआ, इस फ्लावर के कार्पल पे पॉलन ग्रेन जाके डिलीवर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पपाया प्लांट के केस में आप क्रॉस पॉलिनेशन देख सकते हैं। पपाया प्लांट जो है वो थ्री सेक्सेस में ग्रो करते हैं, मेल प्लांट, फीमेल प्लांट और जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिनमें कि मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स लगते हैं। जो प्लांट्स मेल प्लांट होते हैं उन पर मेल फ्लावर लगते हैं और उनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इन प्लांट्स में कोई फ्रूट नहीं लगता।
फीमेल प्लांट्स पर फीमेल फ्लावर लगता है जिसमें कि गायनोशियम होता है या हम बोल सकते हैं कार्पल होता है, जिसका स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। अगर ये फ्लावर जो है पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर पाता है तो इसका जो फ्रूट होता है वो इनएडिबल होता है, क्योंकि इनमें कुछ प्लांट मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं और कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। यही एक रीज़न है कि पपाया प्लांट जो है ज़्यादातर ग्रुप्स में होता है ताकि इनमें पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है इजीली पॉसिबल हो पाए। क्रॉस पॉलिनेशन जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी हो सकती है जिनमें की स्टैमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट हैं, पर फिर भी जो पॉलन ग्रेन है वो किसी दूसरे फ्लावर से आ रहा है, तो इस इनमें भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। इसके कई रीजन हो सकते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कई बार कार्पल में जल्दी मैच्योर हो जाता है, स्टैमन जल्दी मैच्योर नहीं होते, और फिर दूसरे प्लांट के स्टैमन जो है जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और कार्पल मैच्योर नहीं होता, तो पॉलन ग्रेन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे भी हो सकती है, मतलब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या प्लांट्स में किसी में भी हो सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है आप एप्पल्स के केस में देख सकते हो, ट्यूलिप्स, स्ट्रॉबेरीज और बीन्स एक्सेट्रा के केस में देख सकते हो। नेक्स्ट टाइप की जो पॉलिनेशन है वो है जीनोगैमी। ये एक टाइप की क्रॉस पॉलिनेशन है। जीनोगैमी इज द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑन द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। इस टाइप की पॉलिनेशन में क्या होता है, दो फ्लावर जो कि जेनेटिकली तो डिफरेंट हैं पर एक ही स्पीसीज में इंक्लूडेड है, तो इस टाइप की पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाता है वो आपस में जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि इस टाइप की पॉलिनेशन से हम हाइब्रिड वेराइटीज भी तैयार कर सकते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली। अब नेक्स्ट है ऐसे फैक्टर्स या ऐसे मेथड जो क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन इजीली जो है पॉसिबल हो पाती है। फर्स्ट है डाइक्लाइनी, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। द डाइक्लाइनस प्लांट्स मे बी मोनोशियस और डायोशियस। इन मोनोशियस प्लांट्स द टू सेक्सेस आर लोकेटेड इन द सेम प्लांट, फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा और मेज, एंड इन डायोशियस प्लांट सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, फॉर एग्जाम्पल पपाया। डाइक्लाइनी ऐसी टर्म है जो किसके ऐसे प्लांट्स के लिए यूज की जाती है जिनमें की यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, पर जो प्लांट होते हैं वो मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लांट जो है मोनोशियस है यानी कि बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हैं, पर जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है या हम बोल सकते हैं डायोशियस है, मतलब कि कुछ फ्लावर्स जो होंगे वो फीमेल फ्लावर होंगे, यानी कि उनमें सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, कार्पल होगा, और कुछ फ्लावर्स में ओनली स्टैमन होंगे या हम बोल सकते हैं मेल पार्ट होगा या मेल ऑर्गन्स होंगे। मेज का प्लांट इस टाइप का होता है। और सेकेंड टाइप के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है डायोशियस प्लांट्स में लग सकते हैं, मतलब कि प्लांट्स भी यूनिसेक्सुअल होंगे और फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होंगे। जैसे कि इस प्लांट पर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर लगा हुआ है और इस प्लांट पर जो है यूनिसेक्सुअल मेल पार्ट है या मेल फ्लावर है। पपाया के केस में आप इस टाइप का प्लांट्स देख सकते हो जो कि डायोशियस है और उनमें जो फ्लावर्स भी लगते हैं वो भी यूनिसेक्सुअल है यानी कि डायोशियस है, तो इनमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हो सकता है कि इस प्लांट का पॉलन ग्रेन जो है वो किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरे, या अगर इस प्लांट के भी स्टिग्मा पे जाके गिरता है तो उसे किसी ना किसी एजेंसी या हम बोल सकते हैं पॉलिनेटर्स की नीड होगी, मतलब इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी, चाहे जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन हो। और इनके केस में भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, तो इन प्लांट्स में ओनली क्रॉस पॉलिनेशन का ही चांस रह जाता है, क्योंकि इनमें जो मेल और फीमेल गैमिट्स हैं वो अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, तो किसी ना किसी एजेंसी या पॉलिनेटर्स की नीड होगी पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट है डाइकोगैमी। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स द टू सेक्सेस मैच्योर एट डिफरेंट टाइमिंग। When anthers matures first, it is called protandry.
फॉर एग्जाम्पल फैमिली कंपोजिटी और मालवेसी. एंड सेकेंड है व्हेन गाइनोशियम मैच्योर्स फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज प्रोटोगाइनी. डाइकोगैमी टर्म हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में यूज करते हैं जिनमें की जो मेल पार्ट स्टैमन है या जो फीमेल पार्ट कार्पल है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे. ऐसे ही कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है कि उनमें जो है जो मेल और फीमेल पार्ट होगा वो एक टाइम पे मैच्योर नहीं होते. कईयों में जो है मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है तो उनको क्या बोलते हैं प्रोटेंड्री. और कुछ फ्लावर्स में क्या होता है गाइनोशियम जो है पहले मैच्योर हो जाता है यानी कि जो कार्पल है वो मैच्योर हो जाता है स्टैमन से पहले तो उनको क्या बोलेंगे प्रोटोगाइनी. फॉर एग्जाम्पल मैग्नोलिया और प्लांटागो में आप प्रोटोगाइनी देख सकते हो. जैसे कि मान लो ये दो फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं दोनों में जो है स्टैमन भी है और कार्पल भी है तो क्या होगा मान लो इस फ्लावर का जो स्टैमन है वो पहले मैच्योर हो जाएगा तो ये कैसा फ्लावर है प्रोटेंड्री. और इस फ्लावर का जो है गाइनोशियम मैच्योर होएगा पर एंड्रोशियम जो है उस टाइम पे मैच्योर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम प्रोटोगाइनी. तो इस वजह से क्या होता है अब जब इस फ्लावर का स्टैमन मैच्योर है और इस फ्लावर का कार्पल मैच्योर है तो पॉलिनेशन किस में होगी इन दो फ्लावर्स में होगी ना कि ये इनब्रीडिंग करेंगे तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हो जाएंगे. तो फ्लावर्स में इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है चाहे वो बाइसेक्सुअल ही क्यों ना हो चाहे उनमें अपने स्टैमन कार्पल क्यों ना हो. नेक्स्ट टर्म है हिटेरोस्टाइली. दिस फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन. पिन आइड और लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स हैव लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टैमन्स. थ्रम आइड और शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स हैव शॉर्ट स्टाइल एंड लॉन्ग स्टैमन्स. पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन फ्लावर ऑफ सेम लेंथ ऑफ स्टाइल्स एंड स्टैमन्स. इस लाइन को अच्छे से नोटिस कर लो. फॉर एग्जाम्पल प्रिमुला क्या होता है हिटेरोस्टाइली का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर्स में क्या होगा डिफरेंट टाइप के स्टाइल होंगे कुछ शॉर्ट होंगे और कुछ लॉन्ग होंगे. इसका एग्जाम्पल है प्रिमुला. इस पिक्चर में आप पिन फ्लावर और थ्रम फ्लावर देख सकते हैं. पिन फ्लावर में क्या होगा स्टाइल लॉन्ग होगा और जो स्टैमन की लेंथ होगी वो स्मॉल होगी और जो थ्रम फ्लावर हैं उनमें स्टाइल की लेंथ जो है वो स्मॉल होगी और जो स्टैमन की लेंथ है वो लॉन्ग होगी. जैसे कि मैंने ये दो फ्लावर बनाए हैं एक फ्लावर का स्टाइल मैंने छोटा बनाया है और एक का लॉन्ग बनाया है तो क्या होगा कि पॉलिनेशन कैसे फ्लावर्स में होगी जिनका स्टाइल और स्टैमन जो है आपस में लेंथ में सिमिलर होगा. अब इस फ्लावर की स्टैमन लॉन्ग है और इस फ्लावर का स्टाइल लॉन्ग है तो क्रॉस पॉलिनेशन इनके बीच में होगी. और इस फ्लावर के स्टाइल तो लॉन्ग है पर स्टैमन जो है शॉर्ट है तो इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके डिलीवर होगा. तो इस तरीके से देखा जाए क्योंकि इसका जो स्टाइल है वो शॉर्ट है तो इस तरीके से देखा जाए तो इन फ्लावर्स में या इन प्लांट्स में क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती ना हिटेरोस्टाइली है इस तरीके से ये क्रॉस पॉलिनेशन कर लेते हैं ताकि अच्छी वैरायटीज आए और हेल्दियर प्लांट्स प्रोड्यूस हों. नेक्स्ट मेथड है हिटेरोमॉर्फी. हियर प्लांट स्पीसीज प्रोड्यूसेस फ्लावर्स ऑफ मोर देन वन टाइप That is, they may be of two types, dimorphic or trimorphic. For example, Lathyrum. In Primula, the dimorphism is not only due to heterostyle but also due to heteroanthy. Heteromorphy एक ऐसा method है जिसमें plant species क्या करती हैं? उनमें जो है एक से एक ही plant के flowers में एक से ज्यादा different character होंगे. जैसे कि हो सकता है एक flower की shape, size या color दूसरे फ्लावर के सेप साइज या कलर से अलग हो. फॉर एग्जाम्पल प्रिमुला में हमने अभी अभी देखा कि उसमें क्या था हिटेरोस्टाइल कंडीशन थी हिटेरोस्टाइल करैक्टर था यानी कि एक फ्लावर में हो सकता है कि जो स्टाइल की लेंथ हो वो स्मॉल थी और एक में जो था वो लॉन्ग लेंथ का स्टाइल था. और इसमें डाइमॉर्फिज्म है यानी कि दो करैक्टर है जो कि डिफरेंट है दोनों फ्लावर्स में एक तो हिटेरोस्टाइल और हिटेरोएंथी क्योंकि हमने देखा जो स्टैमन की भी जो शेप थी कुछ फ्लावर्स में क्या थे स्टैमन की लेंथ स्मॉल थी और कुछ फ्लावर में स्टैमन की लेंथ लॉन्ग थी.
तो इस तरीके से हो सकता है दो करैक्टर अलग हो, या हो सकता है तीन फीचर्स या तीन करैक्टर अलग हो अलग अलग फ्लावर में एक ही प्लांट के। तो इस टाइप के मेथड को क्या बोलते हैं, हिटेरोमॉर्फी। प्लांट्स इस मेथड से भी क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट जो मेथड है जो कि प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, वो है हर्कोगैमी। इट इज द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम विच हेल्प इन अवॉइडिंग सेल्फ पॉलिनेशन। इन कैरोट्रोपिस गाइनोशियम इज फ्यूज्ड विद पॉलिनियम और एंथर बोल सकते हैं हम जिसको, एंड फॉर्म गाइनोस्टीजियम। कुछ प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जो गाइनोशियम और जो एंड्रोशियम होता है, यानी कि जो कार्पल और जो स्टैमन होता है, उनके बीच में क्या होता है, कुछ फिजिकल या हम बोल सकते हैं नेचुरल बैरियर आ जाएंगे। मान लो ये गाइनोशियम है, ये एंड्रोशियम है, इनके इसके बीच में क्या आ जाएंगे, कुछ ऐसे बैरियर आ जाएंगे जिनकी वजह से क्या होगा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो उनको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा वो इजिली पॉसिबल हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपस के केस में क्रॉस पॉलिनेशन होती है, इनमें गाइनोशियम या हम बोल सकते हैं कार्पल जो होता है वो एंथर के साथ फ्यूज हो जाता है और गाइनोस्टीजियम बना देता है। इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है इन फ्लावर्स में, या हम बोल सकते हैं बीज की हेल्प से पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है इन फ्लावर्स के केस में। गाइनोस्टीजियम के स्टिग्मेटिक एंगल पर पॉलिनियम चिपके होते हैं जिनमें कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब कोई इंसेक्ट इस पर विजिट करता है फ्लावर पर, तो जो पॉलिनियम होते हैं वो इंसेक्ट के जो लेग्स होती हैं उनके साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि ये स्टिकी होते हैं पॉलिनियम। और जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर विजिट करते हैं उसी स्पीसीज की, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है जब वो स्टिग्मा पर जाकर पॉलन ग्रेन डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो डायग्राम बी में जो है पॉलिनियम का पेयर है, और डायग्राम सी में आप देख सकते हो कि कैसे इंसेक्ट जो है पॉलिनियम के पेयर को रिमूव कर रहा है। अब ये इस पॉलिनियम पेयर को किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर डिलीवर कर देगा उसी स्पीसीज के, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा। और इस टाइप के पॉलिनेशन के मैकेनिज्म या मेथड को ट्रांसलेटर मैकेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ स्टेबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी। ड्यू टू फिजियोलॉजिकल और जेनेटिकल रीजंस द पोलन फेल्स टू जर्मिनेट ऑन इट्स ओन स्टिग्मा, फॉर एग्जांपल टी पिटूनिया सोलेनम निकोटियाना एटसेट्रा। कुछ प्लांट्स के केस में क्या होता है कि मल्टीपल एलील्स, या हम बोल सकते हैं काफी सारे ऐसे एलील्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए। सेल्फ स्टेरिलिटी मीन्स दैट द पॉलन फ्रॉम ए प्लांट इज अनेबल टू जर्मिनेट ऑन इट्स ओन स्टिग्मा एंड विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन इन द ओव्यूल ऑफ द सेम प्लांट। बोलने का मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन होगा वो अपने ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और इससे क्या होगा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसको प्लांट अवॉइड करेगा और स्टीराइल हो जाएगा, ठीक है। और होता क्या है, ये ऐसे मेथड हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब कि पॉलन ग्रेन किसी और के स्टिग्मा पर जाके जर्मिनेट करेगा, किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर। ईस्ट इन 1925 ऑब्जर्व्ड मल्टीपल एलील इन निकोटियाना। द जीन्स फॉर सेल्फ स्टेरिलिटी कैन बी डेजिग्नेटेड एज एस विच हैज एलीलिक सीरीज S1, S2, S3, S4 एंड S5। एलील मीन्स वन ऑफ टू और मोर पॉसिबल फॉर्म ऑफ ए जीन दैट आर फाउंड एट द सेम प्लेस ऑन क्रोमोजोम। किसी जीन के एक या एक से अधिक संभावित रूप जो कि क्रोमोसोम में एक ही स्थान पर पाए जाते हों, उनको क्या बोलेंगे हम, एलील्स। तो ईस्ट ने 1925 में तंबाकू के केस में ये जो एलीलिक सीरीज थी S1, S2, S3, S4 एंड S5 रिस्पॉन्सिबल बताई थी, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए। अब देखो आप इस चार्ट से जो है अच्छे से समझ सकते हैं, अगर फीमेल पेरेंट या हम बोल सकते हैं जो स्टिग्मा स्पॉट है उसमें S1, S2 एलील हैं
और जो पॉलन ग्रेन है उसमें भी S1 S2 एलील हैं, तो क्या होगा, वो सेल्फ स्टीराइल होगा, मतलब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होगी। और अगर फीमेल पेरेंट जो है S1 S2 है और जो पॉलन ग्रेन है वो S2 S3 है, तो जो S3 पॉलन ग्रेन होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा और दो टाइप के प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, S2 S3 और S1 S3। अगर फीमेल पेरेंट जो है S1 S2 एलील वाला है और जो पॉलन ग्रेन में जो है S3 S4 एलील में क्रॉस होती है, तो क्या होगा, फोर टाइप की प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, S1 S3 S2 S3 S1 S4 S2 S4। ठीक इसी तरह अगर S2 S3 फीमेल पेरेंट और S1 S2 मेल पॉलन ग्रेन में क्रॉस होती है तो दो प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी, S1 S2 S1 S3। और अगर फीमेल पेरेंट S2 S3 है और मेल पेरेंट का पॉलन ग्रेन भी S2 S3 है, तो दोनों पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा में जो है S2 S3 एलील होंगे, तो इस वजह से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और हम बोलेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी का प्रोसेस होगा, यानी कि पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट मेथड या जो नेक्स्ट फीचर है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है वो है पॉलन प्रीपोटेंसी। इन सम प्लांट्स व्हेन द स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर एज वेल एज फ्रॉम द अदर फ्लावर साइमल्टेनियसली द फॉरेन पॉलन जर्मिनेट विग्रसली क्विकली एंड फर्टिलाइज द ओव्यूल, फॉर एग्जाम्पल बीन एंड मैनी मेंबर्स ऑफ फैबेसी फैमिली। कुछ प्लांट्स के केसेस में क्या होता है, जैसे कि बीन या फैबेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है कि जो प्लांट का स्टिग्मा होगा वो पॉलन ग्रेन साइमल्टेनियसली रिसीव करेगा अपने फ्लावर से भी, अपने स्टैमन से भी और किसी दूसरे फ्लावर के स्टैमन से भी। पर क्या होता है, जो फॉरेन पॉलन ग्रेन होगा वो क्विकली जर्मिनेट कर जाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर देगा फीमेल गैमेट की। ठीक है, जो उसमें मेल गैमेट होगा पॉलन ग्रेन में वो ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट होगा उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है चेस्मोगैमी, व्हेन द फ्लावर्स एक्सपोज देयर मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा टू द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, दिस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय ओपनिंग ऑफ द फ्लावर और द ऑर्गन्स मे प्रोट्रूड फ्रॉम ए क्लोज्ड फ्लावर इन सच ए मैनर सो एज टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू द सेम एजेंट्स। मान लो ये एक चेस्मोगैमस टाइप का फ्लावर है, तो इसमें क्या होता है कि जब एंथर और स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो फ्लावर उनको क्या करता है, एक्सपोज कर देता है किसके लिए, जो पॉलिनेटर्स होंगे बीज इंसेक्ट एटसेट्रा उनके सामने, ताकि वो आए और पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाए। तो अगर फ्लावर ऐसे होगा वो ऐसे हो जाएगा और जो उसके एंथर और स्टिग्मा होगा वो एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे कि मान लो ये एंथर है ये स्टिग्मा है, तो ये ऐसे एक्सपोज हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे ताकि पॉलिनेटर्स इन पर विजिट कर सकें और क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस पॉसिबल हो पाए। चेस्मोगैमस का मतलब भी यही होता है कि ओपन मैरिज। इन फ्लावर्स में क्या होता है, ये ओपन हो जाते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या पार्ट्स को ओपन कर देते हैं पॉलिनेटर्स के लिए। कैलिस्टोगैमस जो फ्लावर थे जो कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन के केस में पढ़ा, उसका मतलब होता है क्लोज्ड मैरिज। फ्लावर्स में क्या होता था कि जब वो बड कंडीशन में होते थे उसी टाइम में पॉलिनेशन हो जाती थी, वो कभी ओपन ही नहीं होते थे, जैसे कि पी प्लांट पी फ्लावर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।